इंदौर शहर कांग्रेस सभी मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ठ प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस एवं इंदौर शहर कांग्रेस के निर्देश पर गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पदयात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय पर सत्याग्रह आंदोलन करते हुए भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया, जिसमें बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की गई। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से देश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसके समर्थन में आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से जो है पदयात्रा निकाली गई और कलेक्टर कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया गया। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ते हुए अपराध, पेट्रोल डीजल मूल्य जो है उसमें गैस की मूल्य वृद्धि की गई और साथ ही अन्य जितनी खाद्य सामग्री है सब में लगातार GST लगाया जा रहा है और आम जनता की कमर टूट गई है। इन सब मुद्दों को लेकर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी सभी मोर्चा संगठन प्रभारी।